मार्च 2020 तक लिए गए 50,000 से लेकर 2 लाख तक के कर्ज माफ होंगे। कृषि मंत्री ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ बैठक की। कृषि विभाग के मुताबिक 4,73,000 से ज्यादा किसानों के 50,000 तक के कर्ज अब तक माफ हो चुके हैं। इस पर झारखंड सरकार ने 1900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। स्टैंडर्ड का किया था, उसको बढ़ाकर 2 लाख तक करने का प्रावधान किया, जिससे इस राज्य के लगभग 1,91,000 किसानों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। एनपीए के बारे में जो सरकार की घोषणा थी, उसको लेकर इस उच्च स्तरीय बैठक में सभी बैंक्स को यह निर्देश दिया गया कि आप अपने वन टाइम सेटलमेंट प्लान के तहत प्रपोजल सबमिट करें, सरकार तैयार है अपने वादे के मुताबिक। तो देखिए, 2 लाख तक का कृषि कर्ज माफ होगा और एक बड़ी जो राहत है वो किसानों को दी जाएगी। किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। तो अब तक बता दें कि 4.73 लाख किसानों को राहत मिली है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बड़ी बैठक हुई, विचार विमर्श किया गया और ऐसे में किसानों के लिए बड़ी राहत निकल करके सामने आई है। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाम को लेकर पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, पर कांग्रेस ने इससे साफ इनकार किया है। कहा जा रहा है कि रांची में बुधवार को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए नेता के नाम के चुनाव के लिए आलाकमान को अधिकृत कर दिया गया। की बैठक थी, उस बैठक के उपरांत विधायक दल की बैठक भी प्रभारी जी ने लिया था और तमाम विधायकों से इस पर राय शुमारी हुई है और उसके उपरांत तमाम विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व को विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए अधिकृत कर दिया है और स्वाभाविक तौर पे बहुत जल्द विधायक दल के नेता का चयन जो है शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे हो जाएगा। किसी भी विधायक दल के नेता या किसी भी पार्टी के नेता, इसका चयन पार्टी करती है, पार्टी का आलाकमान करता है और ये पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का मामला है और हम समझते हैं कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो झारखंड के हित में निर्णय लेगी। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के दौरान करोड़ों रुपए के घोटाले की खबरों की चर्चा जोरों पर है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक आयोजित इस सबसे बड़े खेल इवेंट की जिम्मेदारी खेल निदेशक सुशांत गौरव के जिम्मेदार कंधों पर थी। उन्हें के हस्ताक्षर से हर बिल का भुगतान किया गया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में खेल निदेशक सुशांत गौरव ने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। सबसे बड़ा इवेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के बीच हुआ, एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप। लेकिन जैसे ही चैंपियनशिप खत्म हुई, इस इवेंट पर सवाल उठने लगे और कहा गया कि यह पूरा इवेंट चारा घोटाले की तर्ज पर इसमें पैसे खर्च किए गए हैं। हमारे पास इस तमाम बातचीत के लिए हैं खेल निदेशक सुशांत गौरव। सुशांत गौरव वही आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे आयोजन की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा रखी थी। मेरा कहना है इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी इसमें सत्यता नहीं है और जितनी भी बिंदुओं को उठाया जा रहा है सभी का कोई लॉजिकल कारण है जिस कारण से वैसा हुआ है और उस चीज में भी नियमानुसार जो है उस कार्य को किया गया है और अगर पेमेंट भी है तो वो जो एक दर है और जो सरकारी सीमा है उसके अंदर ही किया गया है। एक बात ये भी आ रही कि तमाम जो भुगतान किए गए आफिक के हस्ताक्षर से हुए हैं और क्या ये सही है? जितने भी अलग अलग तरह के कार्य हुए हैं सभी का पहले बिल आया, बिल के बाद सत्यापन हुआ, सत्यापन के बाद उसको अनुशंसा के साथ रखा गया है। तो जब इतनी बड़ी कार्य होती है तभी जाकर आदमी अपना जो है वो सिग्नेचर के साथ अप्रूवल देता है। यहाँ 17 करोड़ का करीब पूरा ही टूर्नामेंट हुआ है और उस चीज में अगर एक जगह ये गाड़ी गई है, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं है, तो ये पूरे 1 करोड़ बटे वो करना 19,000 करके ये सरासर गलत है और ये जबरदस्ती उस पूरे कॉस्ट को सिर्फ खाने में डिवाइड करके किया गया जो सारे फैक्ट को जानते हुए है। इसका मतलब है कि गलत तरीके से चीजों को पुट अप करके
पूरे आयोजन के साथ साथ झारखंड की भी छवि खराब करने की एक इंटेंशन है। 19,000 नहीं होकर वो जो 2400-2500 करीब वो जो रेट था वही निविदा दर से उसका पेमेंट हुआ है, 1 रुपया अधिक का पेमेंट लिया। जिनको जिससे जांच कराना है प्रिटी कॉन्फिडेंट जिसको कराना कराइए, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कहीं कोई भी एक चीज नहीं है जो नियम से हटके हमने किया हो या सरकारी सीमा के अधिक हमने किसी को पेमेंट किया हो। यदि है तो यदि कोई ऐसी एजेंसी है कि वो है वो आके खुद देखे, ना हमने किसी से लिया ना किसी ने हमको दिया है ना हमारी टीम में किसी को कोई भी किया है इस तरह से, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। हाँ यदि इसी बीच किसी कहीं से भी अगर पता चलता है कि ये गलती है कुछ, डेफिनेटली पनिशमेंट होगा और जो भी रिकवरी होगा वो रिकवरी होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो खेल निदेशक सुशांत गौरव साफ कर रहे हैं कि किसी भी एजेंसी से जांच करा लिया जाए वो जांच के लिए तैयार हैं, और ये भी बता रहे हैं कि 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 2023 तक जो भी टूर्नामेंट हुआ, टूर्नामेंट में जो भी खरीदारी की गई, रेंट चुकाए गए या जो भी फ्यूल का चार्ज दिया गया, कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं की गई। हाँ अगर किसी को लगता है कि इसमें कोई अनियमितता बरती गई है तो जांच के लिए तैयार हैं और जांच का स्वागत भी कर रहे हैं। कैमरे प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। मंत्री बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक जोरदार स्वागत किया गया जिसे देखकर मंत्री गदगद हो गए। रांची एयरपोर्ट पर बजे ढोल नगाड़े, खास अंदाज में हुआ मंत्रियों का स्वागत। समर्थकों को देख गदगद हुए मंत्री। पलके बिछाकर मंत्री का इंतजार करते समर्थक, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए सैकड़ों की संख्या में खड़े ये समर्थक बज रहे ढोल नगाड़े। ये तस्वीरें रांची एयरपोर्ट की हैं, जहां समर्थक अपने नेता के इंतजार में पलके बिछाए खड़े हैं। इन सबको बस उस घड़ी का इंतजार है जब ये अपने नेता को देखेंगे। मंत्री बनने के बाद जब पहली बार संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी रांची पहुंचे तो उनका स्वागत ऐसा हुआ कि देखने वाले देखते रह गए। इस भीषण गर्मी में बीजेपी नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंच गए और घंटों बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। दोनों मंत्रियों के स्वागत के लिए भारी भीड़ एक साथ उमड़ पड़ी जिससे सुरक्षा कर्मियों को भी हालात संभालना मुश्किल हो गया। संजय सेठ ने भी अपने समर्थकों को निराश नहीं किया, समर्थकों के बीच जाकर उनका धन्यवाद किया। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, बीजेपी कार्यालय में भी संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी का भव्य स्वागत किया गया। महिला मोर्चा ने तिलक लगाकर फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने अपने समर्थकों का आभार जताया और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। देश आज मोदी के साथ खड़ा है, देश मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब गवर्नमेंट। आज दुनिया मुरीद है और भारत विकास के झंडे फहरा रहा है। और आने वाले समय में 24 में भी ये हम सब के लिए चुनौती है कि जो वर्तमान में ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, राज्य को लूटने का काम, राज्य के लोगों को छलने का काम और राज्य में बदनाम राज्य को करने का काम जो इस सरकार के द्वारा, इंडी गठबंधन की सरकार के द्वारा किया गया है, आने वाले समय में अभी से हम सब कार्यकर्ता से भी आह्वान करना चाहेंगे कि हम सबको अभी से उस चुनावी तैयारी में लग जानी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी तैयारी में वो लग गए हैं। रांची से न्यूज 18 संवाददाता निरंजन कुमार सिंह की रिपोर्ट।
बढ़ते आगे धनबाद के डीको सरकार आउटसोर्सिंग में बाइक सवार अपराधियों ने उत्पात मचाया, बमबाजी और गोलीबारी से दहशत फैला दी। अपराधियों के हमले से कर्मचारियों में भय देखा जा रहा है, इसके चलते कंपनी में 8 घंटे तक कामकाज ठप रहा। लोयाबाद पुलिस ने मौके से बम का अवशेष जब्त किया है। अपराधियों के हमले से भयभीत मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया और आउटसोर्सिंग कंपनी का कामकाज बंद करवा दिया। धनबाद पुलिस ने मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। हमारे गाड़ी घुमाते घुमाते वो लोग क्या किया कि इंचार्ज का बलोर यहाँ लगा हुआ था, उसको हम सूचित किए तो उसके ऊपर 2 बम फेंक दिया वो लोग, और उसके बाद छप्पर फेंका है, इधर उधर से फेंका है। इंचार्ज का क्या नाम था? गौतम कुमार महतो। उसके बाद क्या हुआ? और गोली चलाया है और गोली चलाते हुए सीधे निकल गया। बम का अवशेष और खोखा बरामद हुआ है, 2 एक तो जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद। कोई पहचान होता है कौन से? पहले कोई धमकी मिला? नहीं, धमकी नहीं, बंदी बंदी का तो चिट्ठी विट्ठी आते रहता है, ऐसा कोई धमकी तो नहीं मिला और उस टाइप का वहाँ माहौल है नहीं। अब बीच में कॉल आकर के इस तरह से क्या कायम करना चाहता है वो तो वही जाने। धनबाद में भीषण गर्मी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। इन सब के बीच बिजली संकट ने लोगों को त्रस्त कर दिया है। बिजली कटौती के खिलाफ विधायक राज सिन्हा अपने समर्थकों के साथ बिजली जीएम कार्यालय का घेराव किया और धनबाद को 20 से 21 घंटा बिजली देने की मांग की, जिस पर बिजली विभाग ने जल्द बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया। इस धरना में धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह भी शामिल हुए। जीएम ऑफिस को जाम किया तो जीएम और सुपरिटेंडेंट दोनों लोग आए और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 घंटा बिजली कटौती होता है, लेकिन हम लोग 24 घंटे में 20-21 घंटे बिजली अवश्य देंगे, यह सुनिश्चित किया उन्होंने। हम लोग प्रयासरत हैं कि इस सारे चीज को नॉर्मल कर लें। विधायक जी भी 1 तारीख को जो आए थे हम लोग से मिलने आए थे, उस समय उनका यही कहना था कि हम लोग इंश्योर करेंगे यानी यहाँ की पावर इंप्रूव करें, ठीक है, और इस बीच में थोड़ा सा यानी डिटोरिएशन हुआ था। गिरिडीह के चुंचका पंचायत में पेयजल संकट से नाराज ग्रामीणों ने ठेकेदार को घंटों बिजली के खंभे से बांध रखा। नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च करके जनमिलार तो जरूर खड़ी कर दी गई, पर उस टंकी में आज तक पानी नहीं पहुंचा। इससे नाराज ग्रामीणों का गुस्सा ठेकेदार पर फूट पड़ा। पीएचईडी विभाग के अफसर मुकेश मंडल ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया। एक भी टंकी में पानी नहीं चढ़ता, एक भी टंकी, अपवाद में भी एक टंकी है कि पानी चढ़ता हुआ सब आते। कारण क्या हुआ? बोरिंग किया कम, पाइप भी दिया कम, मोटर लगाया डुप्लीकेट, पाइप लाइनिंग जो किया ढंग से नहीं किया। लोकसभा चुनाव में कई जगहों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी देखने को मिली, जिसके बाद अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। सभी जिलों के निर्वाचन संबंधी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर गड़बड़ी को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव में वहां पर कुछ वोटर का शिकायत प्राप्त हुआ था, उनका नाम गलती से डिलीशन हो गया करके, उसका संबंध में पूरा राज्य में समीक्षा बैठक की गई थी। अभी कितना भी आपका पास वो है उसी का पूरा एक एक घर का वेरीफाई करके अर्बन एरिया में। कुवैत अग्निकांड में रांची के हिंदपीढ़ी निवासी वकली हुसैन की मौत हो गई थी। वो 18 दिन पहले ही कुवैत गया था पर हादसे ने उसकी जान ले ली। 3 भाई और बहनों में सबसे छोटे अली हुसैन की मौत से घर में हड़कंप मच गया। कुवैत में हुए अग्निकांड में 49 लोगों की जान चली गई थी जबकि 50 से ज्यादा झुलस गए। कांग्रेस ने पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। उन परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, लेकिन हम भारत सरकार से यह भी मांग करते हैं कि उनके परिजनों को तत्काल मुआवजा भी देने का काम करे और झारखंड की सरकार भी इस पे संजीदा होगी और स्वाभाविक तौर पे उनका जो डेड बॉडी है